ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण जो तैयार हो रहे हैं उनकी श्रेष्ठता और गुणवत्ता में भारी कमी है, इसलिए दक्षिण भारत से कर्मकांडी ब्राह्मण ले आएंगे और यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मणों की पाठशाला बनाएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और वो कर्मकांडी ब्राह्मण अपना कर्मकांड का काम कराएं, जिससे इस क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को दूर किया जाए। कल्पना कर सकते हैं आप, एक संगठन मंत्री और कर्मकांडी ब्राह्मण माने कर्मकांड सत्यनारायण की कथा से लेकर के और बाकी सारे आरामों तक को करने वाले जो पंडित हैं उनकी श्रेष्ठता में कमी आ रही है, इसलिए हम ऐसे लड़कों को ट्रेनिंग देंगे और फिर इस तरह से जो नीचे तक ये कर्मकांड कराने वाले और पंडित आई का काम करने वाले जो पुरोहिताई का काम करने वाले लोग हैं उनको हम ट्रेन करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे कि सही उच्चारण सही कर्म का विधान क्या है और ये काम करें। और इसके लिए वो दुर्भाग्य ऐसा रहा जो आपके वो काम में हो नहीं पाया। तो तीन उदाहरण है कि वो राजनीति से अलग हट करके और अब कर्मकांडी ब्राह्मणों को का स्तर ठीक गिर रहा है। सत्यनारायण की कथा जो पंडित जी कराते हैं उनका वो सही उच्चारण सही विधि नहीं हो रही, विवाह पद्धति में सही विवाह पद्धति का उपयोग नहीं हो रहा, उसमें सही ढंग से विवाह नहीं कराया जा रहा। इसकी चिंता करने वाला कौन है समाज में, कितने लोग कर रहे हैं? धार्मिक क्षेत्र की बात होती है, धार्मिक क्षेत्र के जो इस काम को करने वाले लोग हैं उस क्षेत्र में भी काम अनुसंधान हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति और इस तरह की सोच रहा है कि सारी विधान सारी की जो का जो विधान है उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। सत्यनारायण की कथा जिस तरह से पंडित सुना रहे उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है, इसलिए हमको कर्मकांडी ब्राह्मणों की श्रृंखला तैयार करना। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कहा कि और मैं तो उद्दंड किस्म का आदमी था और हम लोग ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेतागिरी दो साल की नेतागिरी पक्की हो जाती थी और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है एक तमाचा, ये हम लोगों का काम था और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को कार पकड़ लेना, किसी को तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर को कुर्सी से सौंप दी, तो विद्रोह किए